ऐसा लगता है निर्देशक राजकुमार संतोषी और अभिनेता सनी देओल का कॉम्बिनेशन अब दर्शकों को एक साथ कभी देखने को नहीं मिलेगा। पिछले 17 साल से इनके रिश्तों में आई खटास उस वक्त दूर होने के आसार पर नजर आने लगे थे जब राजकुमार संतोषी ने सनी देओल के साथ फिल्म फतेह सिंह बनाने की घोषणा की थी। इस फिल्म के जरिए वे 23 साल बाद एक साथ काम करने जा रहे थे। आखिरी बार इन दोनों ने फिल्म दामिनी में एक साथ काम किया था। इसके बाद 2002 में भगत सिंह पर आधारित दोनों की अलग अलग फिल्में बॉक्स ऑफिस पर क्लैश हो गई थी, जिसके बाद कहा जा रहा था दोनों के रिश्तों में खटास आ गई है। अब फतेह सिंह के जरिए सनी देओल के साथ अपने बिगड़े रिश्ते को सुधारने में भी जुटे हुए थे। हालांकि उनका ये अरमान पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बताया जा रहा है कि सांसद बने सनी देओल ने अपनी फीस में इजाफा कर दिया है। फतेह सिंह के लिए उन्होंने निर्माताओं से 5 करोड़ की मांग की थी। निर्माताओं को ये फीस बजट से काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। उन्होंने इस फिल्म से सनी देओल को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कहा जा रहा है कि अब दक्षिण भारत के किसी कलाकार को इस फिल्म के बोर्ड पर लाने की तैयारी में है। मेकर्स इस फिल्म के लिए 15 से 18 करोड़ का बजट लेकर चल रहे थे। ऐसे में अकेले सनी को 5 करोड़ देने से उनका बजट बिगड़ रहा था। इस फिल्म के एक हिस्से की शूटिंग लंदन में होनी है, वहाँ के कई कलाकारों की कास्टिंग भी होनी है, इसके साथ हैवी VFX वर्क भी होना है। नतीजा, निर्माताओं ने तय किया था कि वह अब फिल्म किसी दक्षिण भारतीय सितारे के साथ करेंगे। इस फिल्म की कहानी पंजाब से लंदन माइग्रेट करने वाले युवाओं के बारे में है। कहानी में नायक पंजाब से निकलकर लंदन पहुंचा और वहां वे बम डिफ्यूज करने वाले दस्ते में काम करने लगता है। फिल्म में अलगावादी संगठन की गतिविधियों को भी दर्शाया जाएगा। ये थी फिल्म की कहानी। अब देखते हैं क्या सनी देओल 5 करोड़ से कम फीस में इस फिल्म को करने में राजी होते हैं या नहीं। आप कमेंट में जो बताएं क्या सनी देओल के लिए 5 करोड़ की फीस ज़्यादा है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी नई वीडियोज़ के लिए।